हाय गाइस, वेलकम टू ई सिविल्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, ब्रिक्स में मेनली हम लोग दो चीज के बारे में कवर करेंगे। एक है टेस्ट के बारे में, टेस्ट ऑन ब्रिक्स, और दूसरा चीज हम लोग कवर करेंगे कि ब्रिक्स के कौन कौन से क्लोजर होते हैं, क्लोजर्स एंड कौन कौन से बैट होते हैं। ठीक है, ये दो चीज आज हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो टेस्ट ऑन ब्रिक्स, ठीक, सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए क्या करते हैं, ब्रिक्स को लेते हैं, उसको 24 आवर्स के लिए कोल्ड वाटर में, ठीक है, कोल्ड वाटर में डुबा के रख देते हैं। अब 24 आवर्स के बाद उसको निकालते हैं सरफेस ड्राई करने के बाद। ठीक है, उसका वेट लेते हैं और वो जो वेटेड ब्रिक है उसमें जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है उस वाटर का एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन हाउ मच, इट शुड नॉट बी मोर देन 20% बाई वेट फॉर वॉट, फॉर ब्रिक ऑफ फॉर ब्रिक्स हुज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज अप टू 12.5 MPa। ठीक है, जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 12.5 MPa तक होता है वहां तक वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 50% बाई वेट फॉर ऑल अदर हायर क्लास ब्रिक्स। ठीक है, 12.5 MPa से ज्यादा के क्लास वाले, ज्यादा स्ट्रेंथ वाले ब्रिक्स में वाटर एब्जॉर्प्शन 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये जो 20% बाई वेट वाला कैटेगरी है, ठीक है, इसको अगर और फर्दर क्लासिफाई करें तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 20% बाई वेट। ठीक है, सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए इसी का वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 22.5% बाई वेट, एंड फॉर थर्ड क्लास ब्रिक इट शुड नॉट बी मोर देन हाउ मच 25% बाई वेट। ठीक है, इतना चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है, ठीक है, दूसरा टेस्ट मेरे दोस्तों, वो है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स के बारे में। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक है इसका वैल्यू किसी भी हालत में ब्रिक्स में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 3.5 MPa। यानी 3.5 MPa से अगर कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का ब्रिक हमारे पास है तो उसको हम लोग ब्रिक नहीं बोलेंगे, यानी उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए यही वैल्यू होता है, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 10 MPa। ठीक है, एंड फॉर सेकेंड क्लास ब्रिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 7.5 MPa। ठीक है, एमपीए यानी एमपीए न्यूटन पर mm². ठीक है, ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं, देखेंगे कि हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, तीसरा हार्डनेस टेस्ट में क्या करते हैं दोस्तों, जो हम लोग का ब्रिक है उसके ऊपर स्क्रैच करके देखते हैं, चाहे हम लोग नाखून से करें या कोई धारदार जो हथियार रहता है बोलना चाहिए उससे अगर करें तो इसमें स्क्रैच नहीं आना चाहिए। अगर स्क्रैच नहीं आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो अच्छा क्वालिटी का ब्रिक है। चौथा टेस्ट बोलते हैं हम लोग साउंडनेस टेस्ट। सिंपल क्या होता है दोस्तों, दो ब्रिक को लेना है,
होती है, एक ब्रिक हो गया, ये दूसरा ब्रिक हो गया, दोनों को पकड़ो और आपस में टक्कर करो, तो उससे जो साउंड निकलेगा वो होना चाहिए मेटालिक, मेटालिक बेल का रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड आना चाहिए। और ये दोनों ब्रिक्स ब्रेक नहीं होना चाहिए, नो ब्रेकिंग ऑफ ब्रिक्स, ठीक। इसको बोलते हैं साउंडनेस टेस्ट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टेस्ट हम लोग देखेंगे शेप एंड साइज टेस्ट, ठीक है। इसमें दो चीज हम लोग देखेंगे, एक को बोला जाता है नॉमिनल साइज और दूसरा को बोला जाता है क्या बोलते हैं दोस्तों, दूसरे को स्टैंडर्ड साइज, ठीक। साइज, शेप एंड वेट, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड सबसे पहले देखते हैं, तो जो स्टैंडर्ड साइज है ब्रिक का वो होता है दोस्तों 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर, ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये ब्रिक है, ठीक है। तो ये होगा 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर और ये 19 सेंटीमीटर, ये होता है स्टैंडर्ड साइज। लेकिन जब इसमें चारों तरफ इसकी मोर्टार का एक परत बन जाता है, जब इसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, उस समय जो ब्रिक बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैंडर्ड साइज हो गया, ये होता है नॉमिनल साइज, नॉमिनल साइज। तो ये कितना होता है दोस्तों, एक सेंटीमीटर सब में बढ़ा दो, 20 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। ये हो गया नॉमिनल साइज, ये हो गया स्टैंडर्ड साइज। एक और साइज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में जिसका हम लोग यूज करते हैं, और उसको बोला जाता है ट्रेडिशनल साइज, ठीक, ट्रेडिशनल ब्रिक, ट्रेडिशनल ब्रिक। तो उसका साइज कितना होता है दोस्तों, 23 सेंटीमीटर बाई कितना होता है 10 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर, ये होता है ट्रेडिशनल साइज का ब्रिक। अगर हम लोग वेट की बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, एक ब्रिक का जो वेट रहता है W, वो होता है 3 से 3.5 kg, इसको याद रखना, ठीक है, 3 से 3.5 kg का रहता है। नेक्स्ट चीज हम लोग जो टेस्ट होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है कलर टेस्ट। कलर टेस्ट में कैसा होता है, ये ब्राइट कलर का, ठीक है, ये ब्राइट कलर का होता है और यूनिफॉर्म कलर होता है इसका, यूनिफॉर्म ब्राइट कलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हम लोगों का इफ्लोरसेंस टेस्ट, इफ्लोरसेंस टेस्ट। एक्चुअली जब एल्कली साल्ट ब्रिक में प्रेजेंट रहता है, एल्कली साल्ट, तो जो एल्कली साल्ट रहता है जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें व्हाइट कलर का स्टेन लग जाता है ब्रिक में, ठीक है, व्हाइट व्हाइट कलर के ऐसे ऐसे चकते चकते बन जाते हैं, तो उसको बोला जाता है इफ्लोरसेंस। तो इस तरह के इफ्लोरसेंस एस्थेटिक व्यू से भी अच्छा नहीं होता है, देयरफॉर इफ्लोरसेंस टेस्ट किया जाता है। और इफ्लोरसेंस अगर प्रेजेंट है तो उस ब्रिक को जनरली नेग्लेक्ट किया जाता है किसी भी कंस्ट्रक्शन यूज में, ठीक है। एक्चुअली ये स्ट्रेंथ पे ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, इसका सिर्फ इम्पोर्टेंस है एस्थेटिक व्यू के लिए। नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं कि क्लोजर्स क्या क्या हो, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, इसको अब लेट्स से दिस इज माय ब्रिक, ठीक है। अब इसको मैं यहां से कट करता हूं, यानी ये वाला जो है, ठीक है, इसको बोला जाता है स्ट्रेचर और ये है हम लोग का हेडर। तो स्ट्रेचर और हेडर का आधा आधा पोर्शन को ऐसे निकाल दें तो इसको बोलेंगे हम लोग किंग क्लोजर, किंग क्लोजर, ठीक। अगर इसी ब्रिक में हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रिक है, ठीक है, ये किंग क्लोजर हो गया। अगर इस हेडर पोर्शन का आधा से लेकर के फुल स्ट्रेचर तक अगर ले जाते हैं और ये वाला पूरा पोर्शन निकाल देते हैं,
ठीक है, तो इसको बोला जाता है बीवेल्ड क्लोजर, बीवेल्ड क्लोजर। ठीक, अगर ये इस ब्रिक में लोग क्या करते हैं, ये पूरा फुल हेडर को लेते हैं और स्ट्रेचर का कुछ पोर्शन निकाल देते हैं इस तरह से, ठीक है, तो इसको बोला जाता है हम लोगों का मीटर्ड, मीटर्ड क्लोजर। ठीक, नेक्स्ट थिंग देखते हैं, ये ब्रिक है, अगर इस ब्रिक में आधा पोर्शन, पूरा आधा पोर्शन हम लोग स्ट्रेचर का निकाल देते हैं, कट कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर। बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है क्वीन क्लोजर। ठीक, ये हो गया क्वीन क्लोजर। अगर इस क्वीन क्लोजर में हम लोग अगर ये वाला हाफ स्ट्रेचर और हाफ हेडर, ठीक, ये हो गया हाफ स्ट्रेचर, ये हाफ हेडर, इसको निकाल देते हैं, इसको बोलेंगे क्वार्टर क्वीन क्लोजर, क्वार्टर क्वीन क्लोजर। ओके, ये सभी क्लोजर्स हो गए माय फ्रेंड्स। अब देखते हैं बैट के बारे में। ठीक, तो बैट कौन कौन से होते हैं, इसमें अब देखते हैं हम लोग बैट के बारे में। ठीक, बैट एक्चुअली होता क्या है, जब किसी ब्रिक को लेंथ वाइज कट कर दिया जाता है तो उसको बैट बोला जाता है। अगर मैं इस ब्रिक में हाफ लेंथ को कट कर देता हूँ, यानी यहां से, तो जो पोर्शन बच गया इसको बोला जाता है हाफ बैट। ठीक, नेक्स्ट थिंग, अगर इस ब्रिक में मैं क्या करता हूँ, क्वार्टर पोर्शन को अगर कट करता हूँ तो इसको बोलेंगे क्वार्टर बैट। ठीक है दोस्तों, अब एक होता है बीवेल्ड बैट, उसमें क्या करते हैं, ये बैट है हम लोगों का, अब इसमें क्या है, बीवेल्ड शेप में हम लोग इसको कट करते हैं, लेंथ को रिड्यूस करते हैं, तो इसको बोलेंगे बीवेल्ड बैट। ठीक है, ये हो गया बीवेल्ड बैट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोग का, जो आज का था, जिसमें हम लोगों ने देखे टेस्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और ब्रिक्स के बैट और क्लोजर्स के बारे में, तो यहाँ तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं रिलेटेड टू एनी ब्रिक्स, क्या हेडर, क्या स्ट्रेचर, उसके कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद हम लोग उसी पार्ट में देखेंगे कि ब्रिक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, कितने प्रोपोर्शन में यूज होता है। उसके बाद ब्रिक्स बनाने के लिए कौन कौन से उसके सीक्वेंस हैं, उसको भी हम लोग आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू गाइज़।